पहला प्रश्न है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक जो है ये अवस्थित है हैदराबाद में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का जो केंद्र है ये भी हैदराबाद में स्थित है और इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि, उसमें तो जंतु कोशिका जो होता है वो पादप कोशिका से भिन्न होता है क्योंकि उसमें न तो कोशिका भित्ति होती है, न ही हरितलवक होते हैं, न ही तार केंद्रक होते हैं और न ही हीमोग्लोबिन होते हैं। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास और सुधार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्रोटीन, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं, तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई जो है ये अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 तरह के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि डैश के दंश के कारण मलेरिया होता है, तो दोस्तों जो मलेरिया होता है ये मादा एनाफिलीज के कारण होता है, ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मादा एनाफिलीज। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो 46 होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 46। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन के द्वारा जो है अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य है, तो दोस्तों राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण। दोस्तों रेलवे एग्जाम से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थाली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। और लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज है वो सी डी डुबे ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जीन का आकार होता है, तो दोस्तों जीन का जो आकार है ये सर्पाकार होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर्पाकार। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा जो है वो किसी बच्चे के पिता के बारे में पता लगाया जा सकता है, ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंट। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, तो जो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन है ये क्रोमोसोम्स में होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं, तो दोस्तों किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीन बस्ती। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया, तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से इन चारों में सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया था, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। और कब बनाया गया था ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को, तो वर्ष 1973 में बनाया गया था, ठीक है, और उसके बाद वर्ष 1974 में जो है वो ट्रांसजेनिक चूहे को बनाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रे मैटर में होता है, तो दोस्तों ग्रे मैटर में जो है वो काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है, तो दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। और माइक्रोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, और माइक्रोप्लाज्मा को जो है वो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि कोशिका के चार अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लबक। लबक जो होता है वो पौधे की कोशिकाओं में तो पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में लबक नहीं पाया जाता है। उसके बाद है कि जीन परिवर्तन किस में होता है, तो जीन परिवर्तन जो है ये डीएनए में होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है, तो दोस्तों ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से जो चिलिया बादाम यानी कि जो पीनट होता है यह पेड़ के नीचे उगता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चिलिया बादाम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शोषण में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, तो दोस्तों शोषण में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलयों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है वह है, तो दोस्तों जो पानी होता है और जो अन्य जो विलय होते हैं ठीक है खनिज लवण होते हैं इनको जड़ से लेकर के पौधे के अनेक भागों में पहुंचाया जो जाता है ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है, तो दोस्तों ये जो क्लोनिंग पद है ये संबंधित है जनन विज्ञान से, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जनन विज्ञान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्नबर्ग। और इसीलिए उनको जो है यानी कि आर्थर कॉर्नबर्ग को वर्ष 1959 में जो है वो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का विनिमय जो है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्टोमेटा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो दोस्तों बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पिता पर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों परागण के लिए हवा भी आवश्यक होता है, हो सकता है कि परागण जो हो रहा है वो हवा के द्वारा हो रहा है, पानी के द्वारा भी परागण होता है और कभी कभी कीट के द्वारा भी परागण होता है, लेकिन आग के द्वारा कभी परागण नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आग। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल। और ग्रेगर मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, तो दोस्तों कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है वो ग्लूकोज लिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो कोशिका गतिविधियां जो है ये नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस के द्वारा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो पौधा कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आलू किस कुल का है, तो आलू जो होता है ये सोलेनेसी कुल का है ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी कुल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक इकाई है, तो दोस्तों अनुवांशिक की जो इकाई है ये जीन है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जीन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों जेनेटिक्स जो है इसमें अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवांशिकता ठीक है, अनुवांशिक जो है वो अनुवांशिकता से संबंधित है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तकों का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तक है एक, तो दोस्तों उत्तक जो होता है वो एक समान कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समान कोशिकाओं का समूह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो दोस्तों गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल ने। दोस्तों मेंडल ने अनुवंशिकता के तीन नियम बताए थे, ठीक है, और इन्हीं तीनों नियमों में से एक नियम जो है वो गैमेट की शुद्धता का नियम है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है, तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच के संबंध को बताती है वो पारिस्थितिकी है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पारिस्थितिकी। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है तपेदिक यानी कि टीबी जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो जो एमिनो अम्ल है ये प्रोटीन में मिलते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो दोस्तों जो जोसेफ लिस्टर हैं इनको आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लाइकेन दो जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं, तो दोस्तों लाइकेन जो दो जीवों का सहजीवन माना जाता है ये दोनों सूक्ष्म जीव हैं, शैवाल और कवक, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो दोस्तों ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चार ऑप्शन में हैजा जो है ये जीवाणु के कारण होता है, और किस जीवाणु के कारण होता है, तो हैजा जो है वो विब्रियो कोलेराई नाम के जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। जीवाणु का नाम क्या है, तो जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेराई, ठीक है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरस से फैलती है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से फैलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिजैविक, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व हैं, इनका उपयोग जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किस कारणों से होती है, तो दोस्तों डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से होती है और इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया तथा वायरस। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, तो दोस्तों जीवाणु संक्रमण के कारण जो है ये होता है कुष्ठ रोग, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, तो दोस्तों दूध को जो खट्टा किया जाता है ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो इस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, ठीक है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा युक्त पदार्थ का शीतीकरण जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। उसके बाद अगला प्रश्न है उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा टिटनेस जो होता है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टिटनेस। उसके बाद अगला प्रश्न है एड्स फैलता है, तो दोस्तों एड्स जो होता है ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक संपर्क से। उसके बाद अगला प्रश्न है एचआईवी संबंधित है, तो दोस्तों एचआईवी जो है ये एड्स से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि एड्स का अर्थ है, तो दोस्तों एड्स का जो अर्थ होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है, तो एड्स में डी का जो मतलब होता है वो होता है डिफिशियंसी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफिशियंसी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परिचित औषधि है, तो दोस्तों एड्स वायरस के प्रति जो है वो सबसे अधिक व्यापक रूप से परिचित औषधि जो है इसका नाम है जिडोव्यूडाइन। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जिडोव्यूडाइन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पैरासिटामोल उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों पैरासिटामोल जो है वो उपयोग में लाया जाता है शरीर दर्द से छुटकारा पाने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, इन सब कारणों में। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है शरीर दर्द के निवारण में, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर के दर्द निवारण में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, तो दोस्तों हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि पेनिसिलिन जो है, ठीक है, पेनिसिलिन ये जो है वो पहली एंटीबायोटिक दवा है और इसका खोज किया गया था वर्ष 1928 में। किसके द्वारा, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया था वर्ष 1928 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं, तो दोस्तों प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है ये मलेरिया की उत्पत्ति करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, तो दोस्तों जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो उसमें जो है वो सोडियम क्लोराइड का सामान्यतः क्षय होता है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, तो दोस्तों जो मच्छर जो है वो शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है स्त्री एनोफिलीज। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा एनोफिलीज। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो मलेरिया रोग जो है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किण्वक है, दोस्तों किण्वक क्या है, तो किण्वक जो है वो एक जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक उत्प्रेरक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है, तो दोस्तों पनीर बनाने के लिए जो है वो रेनिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेनिन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यानी कि ईस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो दोस्तों किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने में ईस्ट जो होता है वो सहायक होता है। ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, तो दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वो ल्यूवेन हॉक ने लगाया था। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूवेन हॉक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो नदी होती है, जो तालाब होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी पानी के ऊपर हरे रंग के पौधे आपको दिखाई देते हैं तैरते हुए, इन पौधों को जो है वो शैवाल कहा जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो दोस्तों जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से चेचक जो है वो विषाणु के कारण फैलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा परजीवी नहीं है, तो दोस्तों हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से घरेलू मक्खी जो होता है ये परजीवी नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी। बाकी के जो तीनों बच गए, मच्छर हो गए, किलनी हो गए या फिर जू हो गए, ये तीनों जो है वो परजीवी है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एपिकल्चर किससे संबंधित है, तो दोस्तों एपिकल्चर जो है ये मधुमक्खी से संबंधित है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन को जो है वो एपिकल्चर कहा जाता है।
उसके बाद अगला प्रश्न है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो कीट हैं वो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थ्रोपोडा। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो दोस्तों जो केचुआ होता है ये मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुअर। सुअर जो होता है वो भूमि के अपमार्जन में योगदान देता है, ठीक है, किस तरह से योगदान देता है, तो सुअर मनुष्य के मल को खाकर जमीन को साफ रखता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों जो चार ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से पोलियो जो है वो विषाणु के कारण फैलता है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोलियो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शाकनाशी एक रासायनिक द्रव्य है जो डैश का नियंत्रण करते हैं। तो दोस्तों जो शाकनाशी जो होता है ये अपतृण को नियंत्रित करता है, अपतृण का नाश करता है, ठीक है। अपतृण क्या होता है, जो खरपतवार होता है ना उसको अपतृण कहते हैं। तो दोस्तों इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाकनाशी जो रासायनिक द्रव्य होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है अपतृण यानी कि खरपतवार का नाश करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समुद्री केकड़े निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो दोस्तों जो समुद्री केकड़ा है वो एक समुद्री अकशेरुकी को इंगित करता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक समुद्री अकशेरुकी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तो सामान्यतः दोस्तों जो वायरस जो होता है वो पौधे के तनाग्र को छोड़कर के समस्त भाग को संक्रमित करता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तनाग्र। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चींटी के कितने पैर होते हैं। तो दोस्तों चींटी के 6 पैर होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6 पैर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डायलेक्सिया संबंधित है। तो दोस्तों डायलेक्सिया किससे संबंधित है, तो डायलेक्सिया जो है ये बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो दोस्तों जीवाणुओं की जो रोम जैसी संरचना होती है इसको फ्लैजिला कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लैजिला। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। तो दोस्तों हमारे पास जो 4 बीमारी दिए गए हैं ऑप्शन में, इन चारों में हेपेटाइटिस जो होता है वो विषाणु जनित बीमारी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से घेघा जो है ये मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी घेघा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु जो है ये सामान्यतः लेग्यूमिनस पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेग्यूमिनस पौधे में। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन चक्र में जो है वो CO2 भाग नहीं लेता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पादप विषाणु में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों पादप विषाणु में जो है वो RNA पाया जाता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए RNA। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हार्नवर्ट। हार्नवर्ट जो है वो कीट भक्षी पौधा नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो दोस्तों MMR का जो टीका है ये खसरा गलसुआ और रूबेला में दिया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो दोस्तों दांत की जो अधिकतर बीमारी होती है वो फ्लोरीन की कमी से होती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस भाग में पायोरिया रोग लगता है। तो दोस्तों जो पायोरिया रोग जो होता है वो दांत और मशूरों में होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दांत और मशूरा।